एक से पांच तक के प्राथमिक विद्यालयों में 69,943 पद, इसके लिए इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी। सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की बहाली 24 अगस्त से होने वाली है, लेकिन 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। प्राथमिक विद्यालयों में बीएड धारी जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर इसमें कहा गया कि जो डीएलएड है वही प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। और ऐसे में बता दें जो बिहार में जो परीक्षा हो रही है 80,000 लगभग सीटों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में, उसमें 7,500 कैंडिडेट हैं, जिसमें 5,00,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो बीएड धारी हैं। और ऐसे में परीक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 15 अगस्त को गांधी मैदान से जनता को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि परीक्षा हो रही है, अगस्त के अंतिम महीना में परीक्षा होने वाली है और बहुत जल्द उनकी बहाली हो जाएगी। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने। राज्य के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। अब इसमें समझ लीजिए कि 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 69,943 पद, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद शामिल है। इस पर काम चल रहा है और बहुत जरूरी है कि इसके लिए इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी और तेजी से ये काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बहाली हो जाए। अब इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 हेडमास्टर के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जा रही है, वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में लगातार सुधार किया जा रहा। तो जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि महीने के अंत में परीक्षा होने वाली है, लेकिन परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जिसके बाद से जो बीएड डिग्रीधारी हैं उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्पष्ट और क्लियर कट फैसला दे दिया है बीएड अभ्यर्थियों को लेकर, तो आखिर हमारे परीक्षा देने के बाद क्या हमारी ज्वाइनिंग होगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि डीएलएड ही योग्य है अब प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए और 5,00,000 अभ्यर्थी हैं जो बीएड की डिग्री रखते हैं और प्राथमिक विद्यालयों के इस नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म डाले हुए हैं और उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि परीक्षा पास भी कर जाते हैं, परीक्षा में शामिल भी हो जाते हैं, तो क्या बिहार सरकार हमारी ज्वाइनिंग कराएगी? लेकिन इस बात पर न अभी तक शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कुछ कहा गया है और न ही आज मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया, जबकि सभी की आशाएं थी कि मुख्यमंत्री आज इस मामले से पर्दा हटा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि परीक्षा हो रही है तो 24 अगस्त से परीक्षा हो रही है। अब इसके बाद जो है जो बीएड धारी हैं उन्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट जो है वो निर्देश है कि डीएलएड वाले ही योग्य हैं प्राथमिक विद्यालयों में, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये अब भविष्य बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के हिसाब से परीक्षा आपकी 24 अगस्त से ही हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।